Hello students, how are you? Done best, RBSE, exercise 8.3, tangent and normals. This was a kind of video. Question number 8 का A part है, जिसमें y equals to x square plus 4x plus 1 दे रखा है, और इसके x equal to 3 पर मेरे को इसमें स्पष्ट रेखा और अपना प्लस फाइंड करना है, यानी कि tangent और normal की equation फाइंड करनी है when x equals to 3. तो पहले पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं, पूरा पॉइंट कौन सा है. जब x की वैल्यू दिए तो y निकाल देते हैं पहले, इसमें तो x equals to 3 तो आएगा y equals to 3 का स्क्वायर प्लस 4 into 3 plus 9 plus 12 plus 1 कितना हो गया भाई 20, ठीक है ना. जो पॉइंट हो गया मेरे पास जहां पर कि इस पर से का या बिना मेरे को इक्वेशन निकालनी है 3, 20. अब बात करते हैं स्लोप. स्लोप के लिए क्या करते हैं, इस इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशियल करते हैं. तो डिवाइड अपॉन dx इक्वल्स टू कितना है, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और x का वर्ग हो जाएगा 4 बड़ा रहेगा इस वर्ग का 0. अब डिवाइड अपॉन dx एट द पॉइंट x equals to 3 कितना होगा 2 x इधर 3 रख दिया प्लस 4 6 और 4 तो मेरा 10. तो ये हमारे पास डिवाइड अपॉन dx एट द पॉइंट x equals to 3 10 आ गया. अब मेरे को पॉइंट पता है और डिवाइड अपॉन dx एट द पॉइंट x equals to 3 की वैल्यू मुझे पता है. तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 ये dy अपॉन dx एट द पॉइंट x1 y1 एंड x माइनस x ये इक्वेशन होती है. इसे पॉइंट पुट करें y माइनस y1 की वैल्यू है 22 और इसकी वैल्यू मेरे पास है 10 ऑलरेडी निकाल चुके. x माइनस x1 मुझे 3 आ जाए सिंपलीफाई करें y माइनस 22 10x माइनस 30. अब आप इसमें चाहे तो 22 को बदल लें और बाकी सब को बदल कर 10x माइनस 30 और प्लस का 22 मींस y इक्वल टू आ जाएगा 10x एंड माइनस 8. ये इसका इक्वेशन है भी टेंजेंट की इक्वेशन, यानी कि स्पर्श रेखा का समीकरण मेरे पास. अब मेरे को उसके अंदर अभिलंब का समीकरण भी निकालना है. आप चाहो तो उसको ना थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हो कि y को अगर मैंने tan को अगर आया ना तो tan x minus y equals to a भी हो सकता है. ये भी अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल उसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब अभिलंब, ध्यान रखना अभिलंब का सॉल्यूशन क्या होती है. इक्वेशन y माइनस y1 माइनस 1 अपॉन dy अपॉन dx एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 3 एंड x माइनस x वैल्यू पुट करते हैं. y माइनस y1 वैल्यू तो इस टाइम 32 है, माइनस 1 अपॉन इसकी वैल्यू पहले निकाल रखी थी 10 x minus x 30. cross multiply करने 10 y और ये हो जाएगा 220 equals to minus का x और ये minus minus plus 3. अब आप इसमें x को left side transfer करिए तो हो जाएगा x plus 10 y already पड़ा था 220 को उधर भेज दें 3 already है वहाँ पर. equation आ जाएगी x plus 10 y plus is equals to 220. ये हमारे पास अभिलंब का समीकरण यानी कि नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करें. बहुत इजी है, थोड़ा ढंग से करें, कैलकुलेशन के टाइम थोड़ा सा स्लो चले और सोच के